स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम निर्मल यादव है और मैं बात कर रहा था आज आई मस्ट डू इट, जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है वो मुझे करना ही चाहिए। आई मस्ट डू इट, और करने के लिए कल नहीं, कभी और नहीं, आई मस्ट डू इट नाउ, अभी करना चाहिए। शुरुआत अगर आपको करनी है तो अभी करो, जहां पर हो वहां से आगे जाना है तो अभी शुरुआत करो। डोंट स्टार्ट टुमारो, डोंट से आई विल स्टार्ट टुमारो, डोंट से आई विल स्टार्ट अ डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि जिंदगी में कल कभी नहीं आता। हर दिन आज है, कल को किसने देखा, कल जाने के बाद भी कल आ जाएगा। सो ये कल है, कभी नहीं आता। सो अपने आप को ठानना पड़ेगा कि आई मस्ट डू इट नाउ, अभी करना है, चाहे जो हो जाए, शुरुआत करनी है, अभी करना है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए शुरुआत अभी करना है, मस्ट डू इट नाउ। कई बार लोग सीखने के लिए सोच लेते हैं, सफलता पाने के लिए सोच लेते हैं, बट सीखने के लिए स्टार्ट करने में सालों लगा देते हैं। सीखेंगे तो बाद में, जब तक वो स्टार्ट ही नहीं करे तो कहां से आएगा उनके पास वो नॉलेज, कहां से आएगा वो इंटेंशन कि हां भाई, कहां से आएगी डेवलपमेंट। जब आप सीखोगे नहीं, डेवलपमेंट नहीं आएगा, और टालते रहे तो फिर आपके लिए वो मुश्किल होता जाएगा। जिंदगी को कंफर्टेबल बनाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो कंफर्टेबिलिटी आपको एक दिन डिफिकल्टी में डाल दे। डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए शुरुआत करना पड़ेगा, और वो शुरुआत कब करना है, कब आप बेहतर समय में हो, आपको कब लगता है कि आपका बेस्ट समय है, कब? अभी। सो आई मस्ट डू इट नाउ, अभी मैं मेरे जीवन के सबसे बेस्ट समय में हूं। ना तो मैं पास्ट में था, ना मैं फ्यूचर में रहूंगा। सो अभी हूं मैं, मेरे जिंदगी के बेस्ट वक्त में मैं अभी हूं। ये फीलिंग लानी पड़ेगी दोस्तों, ये एहसास करना पड़ेगा कि मेरा पास्ट पास्ट में चला गया। अभी का जो एक सेकंड बीत गया, वो दुनिया की कितनी भी संपत्ति दे के कोई औकात नहीं है किसी की कि वो वापस ला सके। सो पास्ट में जीने का कोई मतलब नहीं, पास्ट के इंसिडेंट से सीखने की जरूरत है, और भविष्य में किसी की औकात नहीं है कि वो चला जाए। कल के पल को आज कोई नहीं जी सकता, तो आपके लिए कौन सा बेहतर वक्त है? नाउ, अभी बेहतर वक्त है, और इस बेहतर वक्त में आई मस्ट डू इट नाउ, अभी मुझे करना है। जो चीज भी मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, वो अभी करना है, नॉट टुमारो, नॉट वन आफ्टर, वन आवर लेटर, एक घंटे बाद नहीं, एक मिनट बाद नहीं, अभी से। शुरुआत आपकी कब से होनी चाहिए? अभी से। कई बार लोग कल पे टालते टालते सालों निकाल देते। आप अपनी लाइफ के किसी एक इंसिडेंट को देखो, जो काम आपके लिए जरूरी था, बट आपने बोला था कल कर लूंगा, यदि आज कर लेते थे तो वो काम आसानी से हो जाता था, बट कल पे टाल दिया, और कल आपके लिए वो इतना मुश्किल क्रिएट कर दिया कि आपको रिग्रेट हुआ होगा। हर किसी के लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता रहेगा, तो आपके लाइफ में चेक करो कि कौन सा ऐसा काम था, कौन सा ऐसा काम था जो आपने कल पे टाला और आपके लिए वो मुश्किल क्रिएट कर दिया, डिफिकल्टी क्रिएट कर दिया। उससे लर्निंग लेना है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस, लर्निंग सफलता का एक प्रोसेस है। सभी लोग बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, गलत नहीं बोलते। सभी लोग बोलते हैं बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, ये गलत नहीं है।
क्योंकि बुक पढ़ने से आपके अंदर इंफॉर्मेशन जाता है, इंफॉर्मेशन जाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको क्रिएशन करने के लिए हेल्प करता है। तो हमें अपने आप को सीखने के प्रोसेस में डालना होगा। कहते हैं लर्निंग इज द बेस्ट की टू ओपन फ्यूचर, भविष्य को खोलने का बढ़िया चाबी है सीखना। भविष्य में बेहतर कैसे हासिल करूं उसके लिए आज चाबी ढूंढूंगा, ताकि भविष्य में जो वो लॉक मिले, ताला मिले, तो उसकी चाबी अपने पास हो, खुशियों की चाबी अपने पास लेके आओ, क्योंकि वो चाबी से आपको भविष्य में खुशियां खोलने में मदद मिलेगा। तो पास्ट के इंसिडेंट से लर्निंग लेके वर्तमान में डू इट नाउ, आई मस्ट डू इट नाउ, ये एटीट्यूड डेवलप करो। प्रोकास्टिनेशन अब नहीं चलेगा, अब तक चल गया जितना चलना था। अब यहां से भी और चाहते हो कि नहीं मुझे और वक्त चाहिए, तो देख लो कि आपके पास वक्त कितना बचा है, कितना साल बचा है कि आप आराम से सो के निकाल लो और फिर आप सफलता के लिए प्रयास करो। देखो अपनी लाइफ में झांक के, भरोसा नहीं है अगले पल का, और बात करते हैं 100 साल का, कल का, कल कर लेंगे, कैसे कर लोगे? जो थॉट आज है आपके पास वो क्या कल नहीं आने वाले? आने वाले हैं, वो भी आएंगे जब आपकी आदत होती जाएगी। जब आपकी आदत होती जाएगी तो वो थॉट कल भी आएंगे। जैसे बहुत सारे लोग अलार्म लगाते हैं, 3-3 अलार्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि मैं एक अलार्म पे जग जाऊंगा, तो दूसरा अलार्म लगाते। उनको भरोसा नहीं है कि मैं 2 अलार्म बजे तो भी मैं उठ जाऊंगा, तीसरा अलार्म लगाते, उस पर भी वो नहीं उठते। अल्टीमेटली उनका डेडलाइन है कि भाई इतने बजे मुझे कहीं करना है इंपॉर्टेंट काम, या फिर कहीं जाना है इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो फिर वो उनको ड्राइव करता है कि अब तो तुझे उठना ही पड़ेगा, 3-3 अलार्म तो बजा चुका है, बंद कर चुका है, बट अब ये जो समय है जिसमें तुझे निर्धारित चीज करना है, निर्धारित जगह पे जाना है, अब उसमें डिले नहीं कर सकता है, तो वो ड्राइव करता है। अलार्म एक माध्यम है आपको वेकअप कॉल देने के लिए। बाकी जब तक डेडलाइन ना हो, जब तक जिम्मेदारी ना हो कि मुझे इस वक्त में ये काम करना है, तब तक कितने भी अलार्म बज जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये एक आदमी के साथ नहीं, हर किसी के साथ यही थॉट रहता है, हर किसी का यही थॉट है आज कल कर लेंगे। Who knows? कल क्या होगा, कौन जानता है कल क्या होने वाला है, बट आज जहां पर हो, आज अपने जिंदगी के बेस्ट वक्त में हो, बेस्ट समय में बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। इस बेस्ट समय को वेस्ट मत करो, बर्बाद कर दिया अगर ये समय है तो पता नहीं अगला पल कैसा आएगा। और अगले पल का बेहतर होना निर्धारित आज नहीं किया तो अगला पल भी, अगला वक्त भी बेहतर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके लिए क्रिएटर आप हो और आप क्रिएशन नहीं कर रहे हो। वर्तमान में ये बोल के टाल दे रहे हो कि कल कर लूंगा, तो जब आप क्रिएशन नहीं करोगे तो रिजल्ट ओरिएंटेशन कैसे होगा? तो रिजल्ट अगर चाहिए तो क्रिएशन, एक्शन आज लेना पड़ेगा। और कभी ये नहीं बोला जाता है, कभी ये नहीं करना है, कोई बोले या ना बोले, कभी भी आपको ये नहीं करना है कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए एकदम से हवा में छलांग लगाओ और पहाड़ पे चढ़ जाओ। नहीं, पहाड़ पे चढ़ने के लिए उसके जड़ से, उसके शुरुआत स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे जर्नी शुरू करो और धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास करो। एक साथ भाग के जाओगे तो खाई में जाओगे, तो एक एक स्टेप को फूक फूक के रखो,
जिंदगी के कदम को भी, एक एक कदम को आराम से, इत्मीनान से, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस भरते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको शिखर पर पहुंचाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं है किसी काम को करने का तो वो काम में हम जाते ही नहीं है। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं ये बेहतर कर सकता हूं, उस दिन से हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए इंफॉर्मेशन का लेना होगा, चीजें जाननी होंगी। उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। सो आई मस्ट डू नाउ, आई मस्ट डू इट नाउ। आज करना है, एक्शन लेना है, आज लेना है। इंफॉर्मेशन चाहिए, आज चाहिए, और मुझे ही करना है। आई मस्ट डू इट। मेरे लिए कोई और करके देगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ काम है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपका कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आप टीम लगाओ ताकि आप काम करो, आपकी टीम काम करे। बट फर्स्ट यू मस्ट डू इट नाउ। आपके पास है तो भी उसको ड्राइव करना पड़ेगा, और बेहतर ड्राइव करोगे तो बेहतर रिजल्ट आता है। शुरुआत हमेशा स्लो करो, चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, शुरुआत जरूर करो। मस्ट डू इट नाउ। शुरुआत करोगे तभी एक दिन एंड रिजल्ट तक पहुंचोगे। हजारों मीलों की दूरी तय करना है, खड़ा हो गए, सोच लिया कि मुझे 1000 मील जाना है। अब खड़े हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे, पहला कदम नहीं बढ़ा है। महीनों एक ही जगह खड़े हैं, सालों एक ही जगह खड़े हैं कि मैं ये करूंगा, मुझे ये करना चाहिए, और वहीं पे खड़े सोच रहे कि मुझे करूंगा, मुझे करना चाहिए, और मैं करने वाला हूं, बट एक्ट नहीं कर रहे, एक कदम नहीं बढ़ा रहे, पहला कदम नहीं बढ़ा रहे हो, तो हजारों मीलों की दूरी कैसे चलोगे? कैसे तय होगा मीलों का सफर जब आपका कदम ही नहीं आगे बढ़ा? तो चाहे हजारों मीलों की दूरी हो या किसी भी क्षेत्र में सफलता हो, उसके लिए पहला स्टेप, पहला कदम जो रिक्वायर्ड है वो तो लेना ही पड़ेगा। और कल करूंगा ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कल कभी नहीं आता, कल पे ना छोड़ो। और बहुत बार लोग आलसी इतने होते जाते हैं, सबसे बड़ा कारण है मन को इतना ट्रेंड कर लिया है, इतना ट्रेंड कर लिया है कि बस यार थोड़ा और आराम कर ले, थोड़ा और आराम कर ले। तो मेरा एक दोस्त है, जब हम एक साथ रहा करते थे सिटी में, जब हम एक साथ रहा करते थे, और जब वो मेरे को मेहनत करते देखता था तो उसके मुंह से अनायास निकलता था। हालांकि उसके टीचर उसको बोला करते थे कि बेटा जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हालांकि मैं पहले से ही ऐसे प्रयास करता था, मेरे को कुछ भी चीजों में इंफॉर्मेशन चाहिए मैं घुस जाता था, अभी भी मुझे किसी बारे में नॉलेज चाहिए मैं घुस जाता हूं, पूरा चीज स्टडी कर लेता हूं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूं। तो मुझे पहले से ही आदत था कि मैं रात में थोड़ा ज्यादा जगता था, मेहनत ज्यादा करता था, क्योंकि जब कुछ अपने पास खोने के लिए नहीं है तो एक ही चीज बचता है। जब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है तो बस एक ही चीज बचता है, बस जो भी करो उसमें आपको कुछ हासिल होगा, यानी जो भी करोगे उसमें कुछ पाओगे, क्योंकि आपके पास खोने के लिए क्या है। तो ऐसे लोग क्रिएशन करते हैं, जब वो ठान लेते हैं कि अब यहां से मैं जो भी करूंगा उसमें मेरे को लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है, जो भी होगा नॉलेज आई वो गेन ही है, कुछ चीज हासिल हो गई वो गेन ही है, यानी यहां पे खोना तो कुछ नहीं है।
बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं 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 इतना देर कौन जगेगा भाई, 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। सो फिर मना किसने किया, मना किसने किया है सोने से, 8 घंटे सो, 10 घंटे सो, बट अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करो, जितना वक्त मिले उसमें प्रयास करो। और एक सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूं, अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया और रियली में आप चाहते हो अपने आप को डेवलप करना, तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत देर तक 8 घंटा 10 घंटा सोने की इच्छा रखोगे। जी हाँ दोस्तों, इच्छा बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता। जो आप 8 घंटा 10 घंटा सो के बिता रहे हो, 6 घंटा भी सो के आप उतना ही बेहतर जी सकते हो। तो एक कैलकुलेशन निकालो कि अगर आप हर दिन 7 बजे उठ रहे थे, हर दिन आपका रूटीन है कि आप सुबह के 7 बजे उठते हो, अब आप आज से डिसाइड करो कि मैं अगले 1 साल, पूरे 1 साल 5 बजे उठ जाऊंगा, यानी हर दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा मैं जगूंगा। जब आपने एक दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा जगना डिसाइड किया, तो आप अपने जिंदगी में 2 घंटा ज्यादा जिए। जब आप ऐसे ही 30 दिन हर दिन 2 2 घंटा जियोगे एक्स्ट्रा, जगने लगोगे, जीने लगोगे, अब आप ऐसा करते करते अगर 12 महीना यानी 365 डेज जब आप 2 2 घंटे ज्यादा जग लोगे, तो आप टोटल 720 घंटा ज्यादा जगोगे, ज्यादा जियोगे एक नॉर्मल व्यक्ति से, या अपनी ही लाइफ के पिछले सालों से आप 720 घंटा ज्यादा जियोगे, ज्यादा जगोगे। और आपको पता है 720 घंटा यानी कितना होता है, पूरा ऑलमोस्ट 30 डेज, यानी कि जो 12 महीना आपका नॉर्मल वे से हो रहा था, अगर आप 2 2 घंटा ज्यादा जी लिए, जो 2 2 घंटा पहले जग लिए, तो उससे आपका 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, और वो भी सुपर प्रोडक्टिव टाइम। मॉर्निंग इज द सुपर प्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि ये वक्त आपसे कोई नहीं छीनता, और इस वक्त में जो भी करोगे वो आपके लिए ग्रोथ के लिए काम आएगा। राइट वे में इसको यूटिलाइज करना है, राइट वे में सफलता मिलेगी, रॉन्ग वे रॉन्ग सक्सेस, राइट वे राइट सक्सेस। चूज व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो इस जिंदगी से, क्या चाहते हो, एक एवरेज लाइफ या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो उस ग्रोथ के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। समझिए, फीलिंग को समझिए कि कोशिश अगर करेंगे हार नहीं होती। बिंद्रा साहब बोलते, मैं चीजें करता हूं तो मैं हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या सीखता हूं। सफलता मिल गई यानी जीत हो गई, अगर सफलता नहीं मिली तो मैंने सीखा। ठीक एडिसन के जैसा, कि मैं ये रिसर्च करके दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से बल्ब नहीं बनता है, यानी आप अगर किसी चीज में सफल नहीं हुए तो या तो आपने सीखा है या फिर सफल हुए हैं। आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, उसको करने के लिए प्रयास किए, तो वहां पे हार नहीं होती, वहां पे या तो सीखते हो आप या जीतते हो। तो एटीट्यूड ये रखना है कि जो भी मैं करूंगा उसमें या तो मैं जीतूंगा या सीखूंगा, और लर्निंग इज द बेस्ट प्रोसेस टू ग्रो योर सेल्फ। लर्निंग अपने आप को ग्रोथ के लेवल पर ले जाने का बेस्ट प्रोसेस है। किताबों से प्यार कीजिए, इंफॉर्मेशन जुटाइए, ये आपको स्ट्रांग बनाएगा, ये आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने में मदद करेगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज इंफॉर्मेशन का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है,
ये अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जा रहा है, यानी आप लोगों को एक जगह खड़े रह के काम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम डेवलप कर दो, अपने आप काम होता रहेगा। सोचो कहां गई दुनिया और आप और हम कहां हैं। मन में क्या यह कसक नहीं उठती है कि दुनिया ग्रो हो रही है, मैं वहीं का वहीं क्यों हूं? ऐसा इंसान किसी काम का नहीं है जिसके मन में यह ख्याल नहीं आता है कि दुनिया ग्रो हो रही है और मैं वहीं का वहीं हूं। अपने ग्रोथ के लिए काम करो। जॉब भी अगर कर रहे हैं तो वहां पे एक बिजनेसमैन की तरह जॉब करो। मुझे ये टारगेट दो, मैं इसको अचीव करता हूं, मेरे को कितना मिलेगा, डील करो, सब कुछ करो जितना ताकत है। और आज आपके पास ताकत है, कल क्या पता आपके पास ताकत हो या ना हो, कल क्या पता आपके पास सांसें हो या ना हो। तो कल पे टालने वालों सीख जाओ, जग जाओ आज से, कल पे नहीं टालना है। मस्ट डू इट एंड मस्ट डू इट नाउ। गांठ बांध दो, अभी करना है, मुझे ही करना है और मैं करूंगा, शुरुआत आज से करूंगा। बेहतर लाइफ को, बेहतर रिजल्ट को अचीव करना है तो शुरुआत करना पड़ेगा। तो प्रोकास्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ पीपल, लोगों का शत्रु है टाल देना। और हमें अपने माइंड को गाइड नहीं करना है कि भाई तू कल पे टाल, कल पे टाल, क्योंकि क्या पता जिस सुनहरे कल का हम कल्पना कर रहे हैं वो कल हमारी जिंदगी में आए ही ना। तो जिस सुनहरे कल की कल्पना आज कर रहे हो तो आज उसको पाने का प्रयास करो। या तो मिलेगा या तो आप सीखोगे कि कैसे ये चीज नहीं मिलता और क्या करूंगा कि वो हासिल होगा। दो ही चीज होता है दोस्तों जब हम सीखने जाते हैं, या तो हम सीखते हैं या जीतते हैं। सीखते जाओ, जीतते जाओ, सीखते जाओ, जीतते जाओ। जितना सीखोगे उतना जीतोगे, जितना जीतोगे उतना सीखने की इच्छा होगी, और जितना जीतोगे और सीखोगे, और जितना सीखोगे और जीतोगे। यही तो प्रोसेस है, यही तो प्रोसेस है आगे बढ़ने का, जिंदगी को बेहतर जीने का यही प्रोसेस है। जितना समय मिले सीखो, जितना मौका मिले जीतो, जितना जीतोगे उतना सीखोगे। हैबिट बना लो दोस्तों जीतने की, हर चीज में टास्क दे दो अपने आप को। आज मेरे को मजा आता है, आज मैं हर चीज को टास्क लेके चलता हूं, खाने से लेके, टहलने से लेके, चलने से लेके, अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, हर चीज के लिए मैंने अपने आप को टास्क दे रखा है। दिन में इतना घंटा चलना है तो चलना ही, दिन में इतने स्टेप्स एटलीस्ट चलने हैं तो चलने ही, दिन में ये काम करना है तो करना ही, एक वीडियो YouTube पे आना है तो आना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो आप डिसाइड करो कि आप अपने लिए क्या करते हो, अपने अंदर वो स्किल लेके आओ जो आप पाना चाहते हो। किसी के भी अंदर इनबिल्ट स्किल नहीं होती है, उसको सीख के लाया जाता है। और आप बोलोगे कि मुझे वक्त सिखाएगा तो मैं सीखूंगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है। जो चीज आप सीखना चाहते हो उसमें अपने आप को धकेल दो, खड़े हो जाओ उस भीड़ में, जो चीज आपको पाना है वहां पर चले जाओ, जो लोग उसको पाने की कतार में, उस भीड़ में लगे हुए। कहते हैं सफल होना है तो सफल व्यक्तियों के भीड़ में खड़े हो जाओ, धक्के मार के आपको सफल बना देंगे। पाना है सफलता और खड़े हैं अकेला एकांत, नहीं मिलेगा सफलता। अकेला पाना चाहते हो तो उस हिसाब से हार्डशिप लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते और सफलता चाहते हो तो जिस चीज में सफलता चाहते हो देखो कि किधर मिलेंगे उसे वैसे लोग, और जाके उनकी भीड़ में खड़े हो जाओ, उनके माइंडसेट को ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो उनके चैलेंजेस को, कैसे वो काम करते हैं, कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं,
कैसे सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, देखना आपके अंदर भी वो एटीट्यूड धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। जब आप देखोगे कि लोग सफल हो रहे हैं और मैं अभी अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा ही नहीं, तो आपके अंदर वो टीस उठेगी कि अब तो करना ही पड़ेगा। दुनिया सफल हुए जा रही है यार, आप किस कोने में बैठे हो, किस दिन का इंतजार कर रहे हो, कब आएगा बेहतर दिन? जागो दोस्तों, डू इट नाउ, यही वक्त है। इस वक्त में अगर इस वक्त को बना लिया तो ये वक्त आपको वो वक्त दे जाएगा जिसकी कल्पना आपने शायद ना की होगी। वक्त की वैल्यू करो, क्योंकि अभी का एक सेकेंड जो फालतू आपने वेस्ट कर दिया, वो एक सेकेंड दुनिया की सारी दौलत देके आप नहीं ला सकते। जिस एक सेकेंड में सांस छूटना है, उस एक सेकेंड का क्यों इंतजार करना है? उससे पहले के जितने वक्त मिले हैं उसको यूटिलाइज करो और अपने लिए बेहतर यूटिलाइज करो, ताकि आप बन सको इस दुनिया के सिकंदर। क्यों नहीं बन सकते आप दुनिया के टॉप पर्सन? क्यों नहीं बन सकते? पूछा है क्या? क्या अलग करते हैं? सफल व्यक्ति के पास कुछ भी अलग नहीं है, उनके पास केवल एक जुनून है। मुझे कुछ नहीं आता था, आज यहां तक पहुंचा। तो ऐसे ही उनके अंदर एक जुनून होता है कि उनको जो चीज चाहिए उसके लिए जी जान से जुट जाना है। अब चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग मिले ना मिले, मैं जिस दिन ठान लूं कि मुझे ये काम करना है और इसके लिए चाहे जो करना पड़े करूंगा, चाहे जो करना पड़े करूंगा वाला एटीट्यूड है ना, आपको सफलता दिलाने में मदद करता है। तो मेरा एटीट्यूड यही है कि मैं चाहे जो हो एक वीडियो YouTube पे पोस्ट करना है, चाहे जो हो, ये एटीट्यूड मैंने अपने आप के अंदर डेवलप किया है। और मेरे कोच भी बोलते हैं, अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप कमिट कर दो, आपको परफॉर्म करना है तो अपने आप को ऐसा पनिशमेंट दे दो कि नहीं किया तो तेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगी। इस माइंड को डर दिखा दो कि भाई तुझे ये करना ही है, नहीं करेगा तो क्या करेगा। अगर मैं ये बोलता हूं कि इस प्रोडक्टिव टाइम में मैं आपके साथ लाइव में हूं और बातें कर रहा हूं, अगर ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता? सिंपल है, नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहा होता, या तो सो रहा होता या फिर मैं टाइम पास कर रहा होता। तो जो मैं जग के यूज कर रहा हूं, अपने समय को यूटिलाइज कर रहा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं, वो मैं नॉन प्रोडक्टिव देता था तो मेरे लाइफ में मैं कहां तक पहुंचता था? इसी तरह से आपको सोचने की जरूरत है। जो आप सोशल मीडिया को अपना दोस्त बना बैठे हो, उससे आप अर्निंग करना शुरू कर, अर्निंग होता है वहां से। आपको नहीं पता है कैसे होता है तो इंफॉर्मेशन लो, जानकारी जुटाओ कि कहां से मैं इससे भी अर्न कर सकता हूं। अगर आप घंटों सोशल मीडिया पर रहते हो तो वह आपके लिए हथियार है, कमाई का साधन है, बस केवल आप वहां तक पहुंचे नहीं कि कैसे मैं इससे अर्न कर सकता हूं। तो ढेर सारे ट्रेनर्स, ढेर सारे कोचेस कोर्स बनाए हैं उसके ऊपर। कहते हैं ना, जिस चीज को, जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए उसको तो खड्डे में से भी निकाल लेता। जैसे सोना पाने के लिए, हीरा पाने के लिए लोग कितना खदान खोद डालते तब जाके सोना मिलता। तो अगर आपको वो चीज चाहिए, आपको वो जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन है जो मुझे बेहतर तरीके से बता सकता है कि भाई तू ऐसा करके यहां से पैसे अर्न कर सकता है। तो आप राइट डायरेक्शन में जाके अपने उस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। मनी इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आपके पास पैसा है, हर चीज खरीद सकते हो, पीस खरीदना मुश्किल है। तो माइंड को पीसफुल बनाओ और अपने लिए राइट डायरेक्शन चूज करो, क्योंकि आपकी बेहतरी किसमें है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
बातों बातों में बहुत सारी बातें अच्छी निकल जाती है। अगर इससे आपको कुछ भी फायदा होगा तो इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी केवल एक ही व्यक्ति के पास है, और वो व्यक्ति बेहतर बनाना नहीं चाहता। तो अब मुझे बताओ, आप बेहतर कैसे होंगे? अब आपके मन में ये सवाल लगेगा कि कौन है भाई बताओ जो मेरी लाइफ को बेहतर बना सके। तो एक ही व्यक्ति है, दूसरा कोई नहीं है। पूछो अपने आप से, कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा वो व्यक्ति है जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है? जवाब मिला? मैं बता देता हूं, केवल आप हो, केवल आप। जी हां, केवल आप हो जो अपनी लाइफ को एकदम बेहतर बना सकते हो। आप ही हो जो कल पे टालते रहते हो, आप ही हो जो प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, आप ही हो जो एक्शन लेते हो। कल पे टालते जाओगे तो सफलता भी बोलेगी ठीक है एक दिन बाद आऊंगी। हर बार लोग टाल देते हैं कल कर लूंगा, तो ये सोचो कि जब आपने कल कर लूंगा वाला एटीट्यूड रखा तो जो मिलने वाला चीज है वो भी तो एक दिन बाद ही आएगा, वो भी तो कल ही आएगा। एक्शन कल करूंगा और सफलता आज मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जो चीज चाहिए उसको पाने के लिए शिद्दत डालनी पड़ेगी। डू इट नाउ, आई मस्ट डू इट नाउ, ये वाला एटीट्यूड लेके आओ। होने दो, असफल सफल होने दो, देखा जाएगा। असफलता मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रयास तो करो। कई बार हम प्रयास नहीं करते और इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा मेरी जिंदगी को बेहतर बना के लाएगा,